गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में अभ्यास प्रश्न पेज नंबर 24। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम उनके वचनों के अनुसार लिखिए। ठीक है, ये हमें चित्र दिए हैं और उनके वचन लिखने हैं। ठीक, जैसे है ये क्या है, एक तितली है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तितली। अब यहाँ पे कितनी तितलियाँ हैं, एक दो तीन की तितलियाँ हैं ना, और कितनी हैं, एक दो तीन, तो हम क्या लिखेंगे, तीन तितलियाँ। एक आम है तो एक आम लिखेंगे, दो आम है तो दो आम लिखेंगे। ठीक, फिर है एक लड़की है तो एक लड़की, दो लड़कियां हैं तो दो लड़कियां, एक ऊँट है तो एक ऊँट, दो ऊँट है तो दो ऊँट, फिर ये मुर्गा है और एक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक मुर्गा, और ये कितने मुर्गे हैं, एक दो तीन, तो हम क्या लिखेंगे, तीन मुर्गे। फिर एक पेड़ है तो एक पेड़, एक दो तीन, तीन पेड़ हैं तो तीन पेड़। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, चित्रों की सहायता से इनके एक वचन और बहुवचन लिखिए। ठीक, चित्र देखने और इनके एक वचन और बहुवचन दोनों लिखने। ये क्या है, माला, तो हम क्या लिखेंगे, माला, और बहुवचन में मालाएं। ये है घड़ी, तो एक वचन में घड़ी और बहुवचन में घड़ियाँ। ये क्या है, बच्चा, तो एक वचन में बच्चा और बहुवचन में बच्चे। ये है आँख, तो एक वचन में आँख लिखेंगे और बहुवचन में आँखें। ठीक है, फिर है सही शब्द चुन लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक, हमें सही शब्द चुनने और यहाँ पर लिखने हैं। पहला है, आज मैंने दो डैश खाए, तो क्या होगा, दो खाए ना, एक से अधिक है, तो केला आएगा कि केले, तो क्या आएगा, केले। फिर है, माँ ने बहुत सारी डैश बनाई, तो क्या आएगा, बहुत सारी है तो मिठाई या मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ। ठीक, मिठाइयाँ बनाई। फिर है, कल नानी ने मुझे एक नई डैश सुनाई, कहानियाँ या कहानी, एक है तो क्या होगा, कहानी, एक वचन लिखेंगे हम। फिर है, सरिता की डैश पढ़ने जाती हैं, सरिता की बहने, ठीक, बहुवचन है तो हम बहने लिखेंगे। फिर है, मेरे पास एक डैश है, एक है तो एक वचन, तो क्या लिखेंगे, रुपया, रुपये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जब बहुवचन होता है तब रुपये लिखते हैं, एक वचन होगा तो रुपया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रुपया है। फिर है, पुस्तक डैश पर पड़ी है, पुस्तक कहाँ पर पड़ी है, मेजों पे, एक पुस्तक है वो एक तो बहुत सारी मेजों पे नहीं पड़ी होगी, एक पे ही होगी, तो हम क्या लिखेंगे, एक पुस्तक मेज पर पड़ी है। ठीक, फिर है, रंगीन छपे शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। हमें रंगीन शब्द दिए हैं, उन्हें बहुवचन में बदलने हैं। जैसे तोता बोलता है, तोता की जगह ये एक वचन था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तोते, बहुवचन में बदल दिया, तोते बोलते हैं। फिर है, कमरा साफ है, कमरा एक वचन है, तो इसको हम बहुवचन में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, कमरे साफ हैं। ठीक, फिर है, नेक्स्ट पेज में, कहानी अच्छी है, कहानी एक वचन है, तो हम बहुवचन में क्या लिखेंगे, कहानियाँ अच्छी हैं। फिर है, सड़क चौड़ी है, सड़क एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, सड़कें चौड़ी हैं। ठीक, फिर है, लड़की पढ़ती है, लड़की एक वचन है, तो इसे हम बहुवचन में बदलेंगे, लड़कियाँ पढ़ती हैं। ओके।